अपने नए प्रोग्राम न्यूज़ ऑन मैप के जरिए दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल ने आप सभी के लिए एक नई पहल की है। हालिया दिनों में सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण जगहों की भौगोलिक स्थिति और उससे जुड़ी अन्य जानकारियों को मानचित्रों का इस्तेमाल करके आप तक आसानी से पहुंचाना इस कार्यक्रम का मकसद है। इस एपिसोड में हमने 5 स्थानों को चुना है। ये 5 स्थान हैं तुर्की, कैस्पियन सागर, अदन की खाड़ी, श्रीलंका और मॉरिशस। आइए अब इन सभी स्थानों को एक एक कर विस्तार से समझते हैं जो हाल फिलहाल में समाचारों का हिस्सा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं तुर्की की। बीते दिनों तुर्की के सऊदी दूतावास में एक जाने माने पत्रकार की हत्या को लेकर यह चर्चा में रहा। तुर्की की राजधानी अंकारा है। 1923 में ऑटोमन साम्राज्य के विघटन के बाद आधुनिक तुर्की गणराज्य की स्थापना हुई थी। तुर्की एक बहुत बड़ा प्रायद्वीप है जिसकी अपनी अनोखी भौगोलिक पहचान है। यह बोस्फोरस जल संधि के जरिए यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच सेतु का काम करता है। प्रायद्वीप वह भूभाग होता है जो मेनलैंड से जुड़ा होता है और जिसकी ज्यादातर सीमाएं पानी से घिरी होती हैं। वहीं एक जलसंधि या स्ट्रेट वह संकीर्ण मार्ग होता है जो दो बड़े जलीय भागों को जोड़ता है। तुर्की के यूरोपीय भाग को थ्रेस कहते हैं तो वहीं इसका एशियाई हिस्सा अनातोलिया या एशिया माइनर कहलाता है। यह पश्चिम में एजियन सागर, उत्तर पश्चिम में मरमरा सागर, उत्तर में काला सागर और दक्षिण पश्चिम में भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। यह उत्तर पश्चिम में ग्रीस और बुल्गारिया, पूर्व में जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान और ईरान तथा दक्षिण में इराक और सीरिया के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। दूसरा स्थान जो सुर्खियों में रहा वो है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर इसलिए सुर्खियों में रहा क्योंकि अगस्त 2018 में इसके तटवर्ती देशों के नेता कैस्पियन सागर की वैधानिक स्थिति के लिए हुए कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के लिए एकजुट हुए। इस अभिसमय के जरिए कैस्पियन सागर को एक विशेष वैधानिक स्थिति का दर्जा दिया गया जिसके तहत इसे समुद्र या झील के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। अभिसमय में कैस्पियन सागर के संसाधनों के विभाजन के लिए एक फॉर्मूला विकसित किया गया है और इसमें बाहरी शक्तियों को वहां सैन्य शक्ति स्थापित करने से रोकने की भी व्यवस्था है। इस तरह कैस्पियन सागर के समुद्र होने या झील होने की वैधानिक स्थिति को लेकर देशों ने अपने 2 दशक पुराने विवाद को खत्म कर दिया है। क्षेत्रफल तथा आयतन दोनों के हिसाब से कैस्पियन सागर पृथ्वी पर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह उन झीलों की तरह नहीं है जो महासागर में गिरती हैं। हालांकि यह अपने आकार और गहराई में समुद्र की तरह ही है। यह भेद केवल शब्दों के आधार पर ही नहीं है बल्कि इसके आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। जहां झीलों की सतह और तलहटी का विभाजन इनके सीमावर्ती देश बराबर बराबर करते हैं, वहीं समुद्र संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून संबंधी अभिसमय यानी UNCLOS के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। समुद्र की सतह और तलहटी का वितरण उसकी तटरेखा की लंबाई के अनुसार किया जाता है। अगर हम कैस्पियन सागर की स्थिति को देखें तो यह एशिया और यूरोप के बीच में स्थित है और इसमें कई नदियां गिरती हैं जिनमें प्रमुख हैं वोल्गा, यूराल और तेरेक। वोल्गा और तेरेक रूस से जबकि यूराल कजाकिस्तान से आकर इसमें गिरती है। कैस्पियन सागर उत्तर पश्चिम में रूस, उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान, दक्षिण पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण में ईरान और दक्षिण पश्चिम में अजरबैजान से अपनी सीमा साझा करता है। कैस्पियन बेसिन और इसके आसपास का क्षेत्र हाइड्रोकार्बन, तेल और गैस रिजर्व के क्षेत्र में अत्यधिक समृद्ध है। स्टर्जन मछली की विभिन्न प्रजातियां भी इस झील में पाई जाती हैं जो कि बेशकीमती मछलियां होती हैं। तीसरा स्थान जिसकी हम चर्चा करेंगे वह है अदन की खाड़ी। भारतीय नौसेना ने इस खाड़ी में सैन्य टुकड़ी बनाने के 10 साल पूरे कर लिए हैं। समुद्री डकैती की बढ़ती घटनाओं की जांच करने के लिए भारतीय नौसेना ने यहां 2008 में सैन्य टुकड़ी तैनात की थी। अदन की खाड़ी का नाम दक्षिणी यमन में अदन बंदरगाह के नाम पर पड़ा है। यह हिंद महासागर का विस्तार है। इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व है। यह अरब प्रायद्वीप के भाग यमन
और सोमालिया तथा जिबूती के बीच स्थित है। सोमालिया और जिबूती के साथ साथ इरिट्रिया और इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाने जाते हैं। अदन की खाड़ी बब अल मंदेब जलसंधि के जरिए लाल सागर और अरब सागर के बीच प्राकृतिक समुद्री लिंक बनाता है। यह विश्व के बड़े प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है, जो फारस की तेल की खाड़ी के लिए आवश्यक जलमार्ग बनाता है। इस वजह से यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। यह स्वेज नहर से होकर गुजरने वाले एक प्रमुख विश्व व्यापार मार्ग पर स्थित है। इसके महत्व के बावजूद समुद्री डकैती इस क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ तक कि कमर्शियल शिपिंग के लिए इसे विश्व का सबसे खतरनाक जलमार्ग माना जाता है। अब बात करते हैं चौथे स्थान की, जो है श्रीलंका। यहाँ चल रहे राजनीतिक उथल पुथल के कारण श्रीलंका सुर्खियों में रहा है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टे है। यह कमर्शियल कैपिटल कोलंबो का एक उपनगर है। श्रीलंका पहले सेलोन नाम से जाना जाता था। यह एक द्वीपीय देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्वी छोर पर हिंद महासागर में स्थित है। श्रीलंका को सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश बनाया, फिर यहाँ डच आए और फिर अंग्रेज। अंततः 1948 में इसे पूरी तरह आज़ादी मिली। यह अपनी समुद्री सीमाएं मालदीव और भारत के साथ साझा करता है। यह भारतीय प्रायद्वीप से अलग होता है पाक स्ट्रेट के जरिए। श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर चूना पत्थर के टुकड़ों की एक श्रृंखला है, जिसे एडम ब्रिज के रूप में जाना जाता है। यह श्रृंखला मन्नार की खाड़ी को पाक स्ट्रेट से अलग करती है और भारत के दक्षिण पूर्वी तट तक यह जल के साथ साथ मिलती है। एक समय में एडम ब्रिज पूरी तरह से आवागमन के लायक था, लेकिन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक चक्रवात के प्रभाव से यह क्षतिग्रस्त हो गया। सिंहली समुदाय की आबादी श्रीलंका में सबसे ज्यादा निवास करती है, जो देश की कुल जनसंख्या का करीब 74% हिस्सा कवर करती है। कुछ और नस्लीय समूह जैसे श्रीलंकाई तमिल, श्रीलंकाई मूर, भारतीय तमिल और कुछ अन्य अल्पसंख्यक समुदाय श्रीलंका में निवास करते हैं। 247 ईसा पूर्व में भारतीय सम्राट अशोक के पुत्र अरहत महिंदा के द्वारा यहाँ बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। हिंद महासागर में इस द्वीपीय देश की सामरिक स्थिति यूरोपीय और सुदूर पूर्व के बीच एक प्रमुख वायु और समुद्री मार्ग बनाती है। इससे इसे वैश्विक लॉजिस्टिक हब के रूप में सामरिक लाभ मिलता है। यह विश्व का पहला देश है जहां किसी महिला प्रधानमंत्री का शासन रहा है। जुलाई 1960 में सिरिमाओ भंडारनायके यहां की प्रधानमंत्री बनी थी। इस एपिसोड में अंतिम स्थान जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है मॉरिशस। मॉरिशस सुर्खियों में रहा क्योंकि यहां एगालेगा द्वीप में भारत के नेतृत्व में चल रही एक विकास परियोजना में पारदर्शिता को लेकर मॉरिशस के स्थानीय लोगों तथा विपक्ष के द्वारा चिंता जाहिर की गई थी। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। मॉरिशस हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिमी भाग में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। यह मकर रेखा के उत्तर में है। मॉरिशस मेडागास्कर के पूर्व में और भारत के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। यहाँ सबसे पहले पुर्तगालियों का औपनिवेशिक शासन था, उसके बाद डच, फ्रेंच और ब्रिटिश आए। 1968 में मॉरिशस को पूरी तरह आज़ादी मिली। मॉरिशस का संविधान यह प्रावधान करता है कि मॉरिशस में मॉरिशस द्वीप, रोड्रिक्स द्वीप, एगालेगा, ट्रोमलिन, कारगाडोस काराजोस, चागोस आइलैंड और डिएगो गार्सिया शामिल हैं। मॉरिशस चागोस आइलैंड पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है, हालांकि यह ब्रिटेन के द्वारा विवादित है। मॉरिशस का जनसंख्या घनत्व अफ्रीकी देशों में सबसे ज्यादा है। इसका मुख्य द्वीप ज्वालामुखी उद्गार द्वारा बना है और यह लगभग पूरी तरह से प्रवाल भित्ति से घिरा हुआ है। यह उड़ने में असमर्थ बड़े आकार की डोडो पक्षी का पूर्व निवास स्थान माना जाता था। डोडो अब विलुप्त हो चुकी प्रजाति है। सेगा नृत्य मॉरिशस का लोक नृत्य है, जो कि मॉरिशस का राष्ट्रीय नृत्य भी है। यह उन दासों के संगीत तथा नृत्य के रूप में शुरू हुआ था जो यहाँ बागानी के लिए लाए गए थे। साथ ही मॉरिशस में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का मुख्यालय भी है। न्यूज ऑन मैप के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि यह एपिसोड आपकी तैयारी के लिए फायदेमंद साबित होगा। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ और नई जगहों और खबरों के साथ।